कोरोना काल में अतिक्रमण हटाने निकले नगर निगम कर्मियों का गिरिडीह बार के अधिवक्ताओं के साथ झमेला हो गया। वकीलों ने निगम कर्मियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर तूतू-मेमे हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने निगम का पक्ष लेते हुए वकीलों पर उंगली उठाई, लेकिन वकीलों की एकजुटता प्रशासन पर भारी पड़ी। बताया गया कि कोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ा करने को लेकर यह विवाद था। हालांकि कुछ देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद निगम कर्मियों को वहां से बैरन वापस लौटना पड़ा। प्रशासन हमें ये बताया कि जितना खिला रोड पे खड़ा है, जितना मोटरसाइकिल रोड पे खड़ा है, क्या उन लोगों को लाइसेंस है? वो लोग कैसे खड़ा है? पूरे शहर को देख लिया जाए कि हमारे गाड़ी खड़ाने की वजह से पूरा शहर जाम हो रहा है, पूरा शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था ही है। तो हम लोगों ने क्या गलत किया? दो घंटे का कोर्ट चलता है, कोर्ट आके रोड के किनारे कोर्ट कर रहे हैं। उस दोनों एक टाउन थाना के सिपाहियों को इतनी औकात हो गई है कि वकील को भी तुमदम कर रहे हैं, और ये वकील को भी नहीं पसंद है। एक तो गरीब जितनी है, गरीब लोग को माता पिता हटाता है, उससे हम लोग अपने खुद किनारे रहते हैं। आज हम लोग जिप्सी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोग रोड पर खड़े होकर अपना बहस कर रहे हैं, क्लाइंट से काम कर रहे हैं, और इन सिपाहियों की इतनी हिम्मत कि तुम करके बात करता है, जबकि मैं इंस्पेक्टर हो चाहे जो हमें आप आपका कहता हूँ कि मैं किनारे सरकार पर अपना कर रहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, गिरिडीह।